और हमारे आश्रम में भाई हम लोग कभी आप आओ, अभी मैं तो थोड़ा सा अंदर हूँ, अभी बाहर कभी लाइव आता हूँ तो दिखाता हूँ मैं पूरा घी कहाँ से। हम लोग पूरा घी मंगाते, पथमेड़ा का घी आता है हमारे यहाँ, और उस पर लिखा है शुद्ध भारतीय गाय का घी होता है, प्रयोग भी करके देखे ठीक है घी हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी कोई भी खाने में जब तक नहीं मिलता हमें, जब तक लगेगा कि यहाँ तक हम सरसों का तेल भी तो शुद्ध पेरा हुआ लेते हैं, हम तो बिल्कुल शुद्धता का पूरा ध्यान रखते हैं। आटा भी जो है हम लोग रोटी खाना ही बंद कर दिए भाई, कि नहीं जो शुद्ध अगर आटा मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तभी थोड़ी बहुत बुद्धि शुद्ध है, कुछ बोल भी पा रहे हैं। अपना दाल चावल खाते हरि का गुण गाते हैं, और आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, ये जो हमारा सूत्र है छांदोग्य उपनिषद का, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यही से साधना आरंभ होती है। पूरा ध्यान जप तप खा रहे, उन लोग बैठ के वहां पे मेडिटेशन कैंप, मेडिटेशन वो सब सिखाया जा रहा है, और बैठ के वहां पर वो क्या कहते हैं उसको, वो सड़ा हुआ भोजन खा रहे, मैगी वगैरह क्या होता है, सब सड़ा हुआ भोजन है, बासा भोजन कर रहे। वो कौन सा घी में, वो पता नहीं कौन से घी में तल रहे, वो घी है कि चर्बी है, वो कौन कौन सी चर्बी पता ही नहीं है। इसलिए ये सारे भंडारे और इन सब चीजों से सब वर्जित करो दो कुछ समय के लिए, तभी ये सब लाइन पर आएंगे, लोग सुधरेंगे और गौ माता बचेगी। ये कंपनियां भी सुधर भी जाएंगी, इनको भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। गवर्नमेंट जो भी ऐसे लोग हैं जो कि एडवोकेट है, जो समाज सेवक है, वो भी यहाँ पर कौन जो भी कोर्ट के माध्यम से इन कंपनियों पे जो भी क्लेम कर सकते हैं वो क्लेम करिए कि भाई आप गाय के नाम पर जब घी बेचते हो तो उसमें लिखिए गाय भारतीय है या देसी है या विदेशी, ऐसा जो भी है वो लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा इसके ऊपर क्लेम करें। नहीं तो, और वो भी ये जो घी आ रहा है तो कहाँ से, कौन सी गौशाला से आ रहा है, वो गौशाला में कौन सी गाय है, कितनी गाय है, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है, और ये सारी जो है प्रोसेसिंग सिस्टम लोगों के बीच में आना चाहिए। नहीं तो फिर बिल्कुल मत लो, खाओ मत ऐसा प्रसाद अपने घर में, अपना जो है शुद्ध जो अपना जहां से। और भारत में कमी नहीं, आजकल ऑनलाइन में बहुत सारी ऐसी संस्था है, आश्रम है, ट्रस्ट है, बहुत सारी अच्छी कंपनियां भी है जो समाज को ये चीजें शुद्ध रूप से उपलब्ध कराती है। लाइव में देखेंगे बहुत सारा मिल जाएगा आपको। हम लोग प्रयोग हमें भी हम प्रयोग करते हैं, प्रयत्न करोगे तो कोई असंभव नहीं है, और नहीं तो फिर जैसे वो लोकल ट्रेन में धक्का मार के जिंदगी गुजर रही है तो वैसे जीते रहो फिर, और मरने के बाद जाओ फिर प्रीतियों में घूमते रहो, वो तो लगे ही है, वो प्रेतत्व फैल ही रहा है इन्हीं चीजों के माध्यम से, ये अधर्म फैलाने के माध्यम बने हुए हैं।